कब खत्म होगी किसानों की राह रोकने वाली जिद। यूपी, दिल्ली और हरियाणा के लाखों लोग हैं परेशान, लगभग 8 माह से हैं रास्ते बाधित। छत्तीसगढ़ में किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर भाजपा और कांग्रेसी नेताओं के बीच मची रार। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार पर किसानों के पैसे दबाने का लगाया आरोप। एडिशनल पुलिस कमिश्नर सुभाष चंद्र दुबे ने कहा, वाराणसी में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले 500 नए अपराधियों पर लगेगा गैंगस्टर, जब्त होगी संपत्ति। अफगानिस्तान के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श का दौर लगातार जारी। तालिबान पर प्रतिबंध लगाने का भी विकल्प खुला। कई देश कर चुके हैं उनकी सरकार को स्वीकृति न देने की घोषणा। जम्मू कश्मीर के शोपोर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, एक आतंकी हुआ ढेर, सर्च ऑपरेशन हुआ जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्टूबर में गोरखपुर को देंगे सिटी बस का तोहफा। लखनऊ में चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक बस का ट्रायल रन, अब अपने अंतिम पड़ाव पर। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इंदल कुमार, उनके परिवार के लोगों पर पुलिस ने जमीन कब्जा करने का मामले में किया केस दर्ज। जानकीपुरम थाने में 19 लोगों के खिलाफ नामजद। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से किया अनुरोध, कहा तालिबान अफगान नेता राजनीति समाधान पर करे काम। कोरोना महामारी से निपटने में भारत को मिली बड़ी राहत, 150 दिनों बाद 1% से कम हुए सक्रिय मामले, पिछले 24 घंटे में मिले 50,000 से नए केस। कानपुर महानगर और जिला अध्यक्ष बोले, वह मुक्त समाज और विकास के मुद्दे पर बीजेपी बसपा, यही मुद्दे दिलाएंगे दिल्ली में जीत। देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश सामान्य से हुई ज्यादा, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अगले 3 दिन भारी बारिश का अनुमान, राष्ट्रीय राजधानी में बरसेंगे बादल। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के आदेश जारी, कोरोना नियमों को ताक पर रखकर नासिक में निकाली जन आशीर्वाद रैली। अफगानिस्तान को लेकर चीन ने एक बार फिर अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार, चीन ने कहा अफगान संकट के लिए अमेरिका मुख्य गुनहगार, अफगानिस्तान को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद सुनील कुमार मोदी ने कहा कि देश में 160 दिन बाद कोरोना संक्रमण के नए केस मिले सबसे कम, कोरोना की तीसरी लहर का खतरा गंभीर। पीएम मोदी को अरुण जेटली की आती है याद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। इटावा में डीएफसी ट्रैक पर हुआ पहला रेल हादसा, मालगाड़ी के 17 डिब्बे पलटे, लोहे के गार्डर ले जा रही थी ट्रेन, हादसे के बाद मालगाड़ी 2 हिस्सों में बटी। पाकिस्तान संकट पर चर्चा के लिए G7 के नेता आज वर्चुअल करेंगे बैठक, तालिबान को आधिकारिक तौर पर मंजूरी देने या प्रतिबंध लगाने के संबंध में होंगे एकजुट। स्पेशल ट्रेन से 29 अगस्त को अयोध्या जाएंगे राष्ट्रपति कोविंद, रामलला के करेंगे दर्शन, कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति उसी शाम को लखनऊ लौटेंगे वापस। 2 दिवसीय दौरे पर आज जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, लोगों को खाद्यान्न करेंगे वितरित। उज्जैन में मुहर्रम के दौरान पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी का मामला लगातार रहा चर्चे में, देश विरोधी नारेबाजी पर मंत्री उषा ठाकुर ने कही बड़ी बात, बोली सब जानते हैं राष्ट्र किसके हाथों में है सुरक्षित। केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा में हुई चूक, पशुपति कुमार पारस के काफिले पर फेंका गया मोबिल ऑयल, कपड़ों पर भी पड़े छींटे। बरेली में 9 महीने में टेढ़ा हुआ 16 लाख का पंचायत भवन, पिलर टेढ़े देख उड़े डीएम के होश, नींव से गायब मिला सरिया। नंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत को लेकर विभिन्न दलों में हुई बैठक आयोजित, विभिन्न खापों के चौधरियों ने की शिरकत।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भाजपा और सपा को एक ही सिक्के के बताया दो पहलू। हरदोई में सपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र बोले, भाजपा और सपा ने ब्राह्मणों दलितों का किया उत्पीड़न। राज्यपाल चैनी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा बीजेपी के राज में मुस्लिम और दलित समाज का हुआ उत्पीड़न। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।